नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स में ये अगली मॉडल्स, मस्ट। तो यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? यूज ऑफ मस्ट, MUST। ठीक, तो अब मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? तो इससे पहले हमने बताया था शुड, शैल, ये सब बता दिए थे, कैन, कुड, माइट। ठीक, तो अब मस्ट का भी अगला यूज कहाँ करते हैं? लिखिए पहला नंबर, पहला तो मस्ट का यूज करते हैं जहां पर कंपल्सन हो एंड पॉसिबिलिटी हो और संभावना हो। कंपल्सन का मतलब मजबूरी। ठीक, तो जैसे बोला जाए कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए, यानी उसकी वो मजबूरी शो कर रहे हैं, बिल्कुल समझ लें अर्जेंसी, उसको अति आवश्यक कार्य है कि उसको ये काम जरूर करना चाहिए। तो जिस सब सेंटेंस में जरूर शब्द लिखा हो या अवश्य शब्द लिखा हो, उसमें मस्ट का यूज करना है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले रूल लिखिए कि मस्ट इज यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जाता है विथ द सेंस ऑफ के अर्थ में। तो किसके अर्थ में? कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन की हिंदी होती है मजबूरी। तो मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन, मजबूरी के सेंस में। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट। अब कोई भी मॉडल्स आएगी, हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसके बाद में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसकी हिंदी होगी जरूर चाहिए। किस सेंस में यूज होगा? जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। जैसे बोला जाए कि उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए, उसे यह काम जरूर करना चाहिए, तो वहां पर मस्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे बोला जाए कि ही मस्ट गो देयर, उसे वहां जरूर जाना चाहिए। दूसरा, तुम्हें यह कार्य जरूर यानी अवश्य करना चाहिए। तो यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। तो जब जरूर चाहिए शब्द लिखाओ तो मस्ट, और सिर्फ चाहिए शब्द लिखाओ तो हमने शुड का यूज बताया था उसमें एडवाइस के लिए। जैसे बोला जाए तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, तो एडवाइस देंगे तो वहां पर शुड आएगा। लेकिन जब मस्ट लिखा होगा तो इसका मतलब होगा जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, तो वहां पर कंपल्सन यानी मजबूरी, दृढ़ निश्चय होगा। तो ही मस्ट गो देयर, यू मस्ट डू दिस वर्क, ही मस्ट डू दिस वर्क। ठीक, तो सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सब में मॉडल्स सेम रहती है। तो इसको लिखिए। इसके बाद दूसरा रूल इसका, इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा लिखवाते हैं। तो ये तो बात होगी प्रेजेंट सेंस की, उसे यहां जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अब बोला जाए कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं, उसे वहां जरूर जाना चाहिए था। तो जब था बोलना हो तो उसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर? लिख लीजिए रूल नंबर टू, ये यूज होगा प्रेजेंट सेंस में। अब इसका पास्ट लिखिए। तो मस्ट इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ कंपल्सन, रहेगा वही कंपल्सन में ही, लेकिन वो था प्रेजेंट सेंस में, ये रहेगा पास्ट सेंस में। तो इन पास्ट सेंस मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, अर्थ होता है सेंस में, पास्ट बीती हुई बात में, ठीक, और प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात। तो मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन इन पास्ट सेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद मस्ट प्लस हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या होगा? तो जब लिखा होना चाहिए जरूर चाहिए था, जरूर चाहिए था। जैसे बोला जाए तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए था, तुम्हें पानी जरूर पीना चाहिए था, जब बीमार हो जाते हैं आप, ठीक, तो कहते नहीं आपको जरूर ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
अदर वर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, इससे बोला जाए कि सी मस्ट हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गोवेंट गॉन, तो सी मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए था लेकिन वो गई नहीं पहले। लिखे दूसरा, दूसरा क्या कहता है, कुछ भी लिख ले, लिखा है दे मस्ट हैव, दे मस्ट हैव ईटन एप्पल्स, उन्हें सेब जरूर खाना चाहिए था, तो दे मस्ट हैव ईटन एप्पल्स, इसको भी लिखिए। अब अगला रूल क्या कहता है, तीसरा, तीसरा लिखिए, तीसरा कॉन्टिन्यूअस में यूज कैसे होता है भाई, जैसे बोला है कि वह आज जरूर आ रहा है, ठीक, वह आज जरूर ये काम कर रहा है, वह आज अवश्य काम कर रहा है, अवश्य पढ़ रहा है, अवश्य लिख रहा है, जरूर पढ़ रहा है, तो जब जरूर या अवश्य लिखा हो, ठीक, और कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो उसके लिए अभी मस्ट का यूज करना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लिखिए सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना है मस्ट, इसके बाद लिखना है बी, फिर लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस में आती है ना भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो मॉडल्स के लिए ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए क्या कर गई, हेल्पिंग वर्ब का काम कर गई, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसके लिए क्या होगा, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे पहले हिंदी में लिखा हो, लिखा हो कि तुम कल अवश्य दिल्ली जा रहे हो, तुम कल अवश्य दिल्ली जा रहे हो, तो इस सेंस में अभी मस्ट का यूज, तो यू मस्ट बी, सब इसमें लिखते चले जाएंगे कि यू मस्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना, तो गोइंग, यू मस्ट बी गोइंग दिल्ली, अब आने वाला कल होगा कि तुम कल अवश्य दिल्ली जा रहे हो, प्लान की बात है आने वाला कल, इसकी इंग्लिश होती है टुमारो, TOMORR, बीता हुआ कल, यस्टरडे होता है, तो यू मस्ट बी गोइंग दिल्ली ये टुमारो। दूसरा, जैसे बोला जाए वह जरूर पढ़ रहा है, ठीक, तो वह जरूर पढ़ रहा है, वह जरूर यानी अवश्य बोले, वह जरूर पढ़ रहा है, वह जरूर पढ़ रहा है, तो वह की इंग्लिश ही मस्ट बी रीडिंग, ही मस्ट बी रीडिंग, वह जरूर पढ़ रहा है, वह जरूर लिख रहा है, वह जरूर बोल रहा है, तो ही मस्ट बी रीडिंग, ठीक, ओके, टाटा बाय बाय।